हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी क्या हो रहा है कि आप जोमैटो के डिलीवरी राइडर बनना चाहते हैं और जैसे ही आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं जोमैटो डिलीवरी एप्लीकेशन पे, अपना बायोडाटा यहाँ पर आप एंटर करते हैं, अपनी प्रोफाइल यहाँ पर बनाते हैं, उसके बाद आप अपनी लोकेशन यहाँ पर चूज़ करते हैं, उसके बाद जैसे ही आप प्रोसेस पे यहाँ पर नीचे चेकआउट करते हो, उस पर क्लिक करते हो, तो उससे आगे आपका नहीं बढ़ पाता, आगे आप जा ही नहीं पाते। बार बार यहाँ पर ऑप्शन आता है कि अपना जोन सेलेक्ट करें। ये दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है अक्सर आपके, आप ज्वाइन करना चाहते हो लेकिन आप ज्वाइन कर नहीं पा रहे हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं सारी डिटेल आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि जैसे आप प्रोसेस पे क्लिक करते हो, अपनी लोकेशन सेलेक्ट करते हो कि मैं इस लोकेशन में जोमैटो को ज्वाइन करना चाहता हूँ, तब भी आप जैसे इस पे क्लिक करते हो तब भी आपको बताता है कि सेलेक्ट करें अपना एक जोन, आप बार बार सेलेक्ट करते हो तो प्रोसेस से आगे आपका आगे जा ही नहीं पाता, आगे कोई स्टेप नहीं आता, इस केस में क्या प्रॉब्लम है। देख दो, सबसे पहले देखिए दोस्तों, अब क्या है कि जोमैटो में काफ़ी लड़के अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से जोमैटो में अभी भी आईडी जो है पेंडिंग पड़ी हुई है। अभी जोमैटो क्या कर रही है, उन सभी आईडी जो पेंडिंग है, जो कि दो दो हफ्ते से, तीन हफ्ते से पेंडिंग है, उनको सभी को अब यहाँ पर ज्वाइन करा रही है। पहले क्या था, पहले आपने अगर अप्लाई किया तो आपका एक से दो तीन घंटे में आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक या फिर दो दिन आपका लगता था, लेकिन काफ़ी आईडी हैं उस वजह से यहाँ पर आपकी आईडी जो है पेंडिंग पड़ी रहती है एक्टिवेशन के लिए, और काफ़ी हफ्तों तक, दो तीन हफ्ते हो जाते हैं, काफ़ी लड़के कमेंट भी आते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर दोस्तों जोमैटो कंपनी ने अभी ज्वाइनिंग बंद कर दिया है। जैसे ही अगर आप प्रोसेस पे क्लिक करते हो तो आपको बार बार यही बताता है कि अपना ज्वाइन सेलेक्ट करें, आप कर देते हो फिर भी यही सब कुछ लिखा रहता है। अब दोस्तों ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि दोस्तों आप सब कुछ कर तो पाओगे लेकिन सेलेक्ट करने के बाद ये सब कुछ यहाँ पर शो होता है। अब ऐसा इसलिए है कि दोस्तों अभी जोमैटो कंपनी ने रिक्वायरमेंट या फिर उस लोकेशन में अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, उस लोकेशन में अभी वैकेंसी नहीं है, तो इस वजह से आपके यहाँ पर प्रोसेस से आगे आप जा नहीं पाते हो किसी भी नेक्स्ट स्टेप पर, तो इसलिए वहाँ पर शो रहा है। और दोस्तों मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ, अगर आप जोमैटो कंपनी ज्वाइन करते हो तो अगर आप बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है तो जैसे ही मंडे आता है तो आप मॉर्निंग टाइम में ट्राई करें, दो बजे से पहले पहले, दोपहर के दो बजे से पहले पहले ट्राई करें, क्योंकि मंडे को ये वैकेंसी करते हैं, जिस भी लोकेशन से आप हो और उस जोन को आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो मंडे को ट्राई करें। अगर आप प्रोसेस में आगे नहीं जा पा रहे हो, एवरी मंडे को आप ट्राई करें तो हो सकता है कि आपका हो जाएगा। मैंने पर्सनली यहाँ पर जोमैटो के टीम से बात की है तो यहाँ पर उनका आया है रिप्लाई में कि आप मंडे को ट्राई करें ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करने के लिए। अगर दोस्तों किसी लोकेशन में वहाँ पर वैकेंसी चल रही है तो अगर आप उस जोन को सेलेक्ट करते हो तो उसका जो प्रोसेस है, स्टेप है, वो एकदम से कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीधी सी बात है कि जहाँ पर वैकेंसी होती है तो आपका फॉर्म एकदम से फिलअप हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपके पास अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आपका ये प्रॉब्लम दूर हो गया होगा इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप इस चैनल पहली बार वीडियो देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।